पता नहीं कहाँ चले गए। सन्नो और शेख जी, मुझे काम पे भी जाना था, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? अच्छा शेख जी, सन्नो भाभी को घुमा रहे हो? आज तो तुम गए काम से, अभी बताता हूँ रुखसाना भाभी से। रुखसाना भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना भाभी कुछ पता है तुम्हें? देवर जी किस बात का? रुखसाना भाभी, शेख जी को मैंने अभी मार्केट में देखा था और उनके साथ असलम भाई की बहू भी थी। रुखसाना भाभी, शेख जी की तो मौज आ रही है मौज। अच्छा, शेख जी मुझसे बोल रहे थे सर में दर्द है, दवाई लेके आऊंगा, आज आ जाने दो घर पे जरा। सारे मेडिकल बंद पड़े हैं, दवाई भी नहीं मिल रही का मगर मारी। अच्छा, तुम दवाई लेने गए थे या असलम की बहू को घुमाने लेके गए थे? ओबे, इसे किन्ने बता दिया हरामखोर को, अब आफत आ गई। क्या कहा रुखसाना? असलम की बहू को तो मैंने देखा भी नहीं, तो ही एक साल से। हाय अल्लाह, कितना झूठ बोल रहे हैं। रुखसाना जा रोटी ला दे, मेरा वैसे मूड खराब है, मुझे भूख लग रही है, भूख नहीं तो कल तार दूंगा साले। मैं ना दे रही रोटी, रोटी देगी वो असलम की बहू। जवान को भट में वाल ले, नहीं तो तेरे साथ बुरा हो जाएगा साले, बक्कल तार दूंगा बक्कल, हराम खोर। क्यों हलक फाड़ रहा है सांड? है गु आजा, बैठ जा। अरे बेटा शेख, घर पर तो सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, पर अब्बू सांड तू कैसे भागा फिर रिया दोपहरी में? हैं? बेटा तेरे मामा के यहाँ जा रहा था, तो जाके से चुली के यहाँ चाय पी के चलूं। चाय पी के जाऊंगा, ठीक है। रुखसाना बा कहाँ मर गई कमबख्त? अब्बू सांड आया, चाय बना दे उसके लिए। मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप चाय बना लो। ओबे, अभी तक गुस्सा ही न उतर रहा साली मांजर। रुखसाना लगातार 6 दिन तक मारूंगा, आई समझ में ना? ओबे, इनने तो चाय बना के बिना दी हराम खोनी ने। अब्बू टरने का नाम न ले रहा। अब्बू सांड तुम तो निकल लो, न चाय की पत्ती है न चीनी है, चाय पीनी है तो मामा के यहाँ पी लिए, ठीक है? नहीं शेख, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। ना निकला ठर रे, कभी चाय सी पिलाऊं? हैं? ठीक है शेख, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ, निकल ले सांड, कभी चाय सी पीता जावे। एक तो वैसी जिंदगी खराब कर रखी हराम खोरनी ने। रुखसाना को भी जाने, अभी देखता हूँ। काली पीली सकलोगे, गेट तोड़ोगे क्या? शेख जी अस्सलाम वालेकुम। ओबे, अंदर कोई घुसी जा रहे हैं साले।
अरे रुखसाना, अरे शेख जी रुखसाना नहीं है घर पे क्या? ये तो भैया की आवाज लग रही है। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो भैया। और भैया ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। और अम्मी ठीक है घर पे? हाँ ठीक है। अम्मी ठीक है, अब्बू ठीक है, पूरे खानदान के लिए पूछ ले। अब तो भैया आ गया तेरा भैया, आराम खो। 24 घंटे खैर सल्ला खैरियत में लगी रही है, जिंदगी खराब कर रखी है कम वक्त। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। वो भी चाय बना रही है इनके लिए, आने दे। शेख जी तुम कितने अच्छे हो। वो भी चोचले कर रही है साली, चोचले कर रही है, हराम खो, चोचले कर रही है साली। तो शेख जी 100 रुपए इनका नाश्ता लेके आओ, इतने में चाय बनाती हूँ। 100 रुपए दे के गई है, हराम खोर, नाश्ता लाऊं, नाश्ता ला के दूंगा इसे। देख मेरा भी नाम शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली, नाश्ता ला के देता हूँ। रुखसाना मेरा भी नाम शेख चिल्ली है, आज साले को बेवकूफ बनाता हूँ, बेवकूफ, देखता हूँ कैसे खिलाती है नाश्ता। बेटे शेख चिल्ली बाजार को ही मत जा, बेटे की जान छाना मत तेरा जंगल पर। अब साले तुम भी आ गए, हराम हो रहे हो, निकल के ले तरफ को। बेटे शेख चिल्ली निकल निकल जा। हाँ ये ठीक है बेटे शेख चिल्ली, अब कहाँ आ गया जंगल में बेटे की जान। अब साले साफ साफ ना हो, हराम हो, हाय अल्लाह, शेख जी अभी तक नहीं आए नाश्ता लेके। बेटे की जान, ये ठीक है, टेम भी होगा। लगता है साले मेहमान भी चले गए होंगे। निकलता हूँ बेटे की जान, अब चलता हूँ, बनाता हूँ रुखसाना का बेवकूफ को। साले नाश्ता मंगवा के शेख चिल्ली से नाश्ता मंगवा के अब खिलाते भैयों को। साले ने अब्बू का नाश्ता कराया ना, भैयों का नाश्ता करा गई। साले निकल ले एक तरफ, डांस करता हूँ। साले नाश्ता करा भैया, अंदर चलेगा ही दिखे काली पीली शक्लों के साले। शेख जी नाश्ता नहीं लाए? नाश्ता, अबे नाश्ता तो मिला ही नहीं, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं लॉकडाउन की वजह से। अरे शेख जी काय को झूठ बोल रहे हो, सारी दुकानें नहीं मिलेगी। रुखसाना चुपा ले, हराम खोरो को, सालों को, काली अगलों को, नहीं तो पक्कल तार दूंगा सालों के। शेख जी कुछ मत कह दियो मेरे भाइयों को। अच्छा शेख चिल्ली को चैलेंज, शेख चिल्ली का चैलेंज दे दी, अभी बताता हूँ तेरे भाइयों को। देख डंडा कौन है बेटा, दिखाई दे दे, पता अभी बता दूँ, बता दूँ तेरे भाइयों को। बेवकूफ मान नहीं है साली, अब शेख चिल्ली तो मौज लेगा।
मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। मैं चली जाऊंगी अपने घर, मेरे भैयों को मार के भगा दिया, जा रही हूँ मैं। मेरे कल को माँ बापा को मार के भगा देंगे। रुखसाना क्या बड़बड़ा रही है, अभी देखता हूँ। क्या सोच रही है रुखसाना, ऐसे तो सेठ जी मार्केट नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। क्या कर रही है, कपड़े भर रही है, कहाँ जा रही है लखड़िया, आने दे। एक काम करती हूँ, शेख जी को मार्केट के बहाने से ले जाती हूँ और वहीं से अपने घर को चली जाती हूँ। साली शेख चुल्ली को बेवकूफ मान रही है, बेटी की जान बाहर को निकल गए। हाँ तेरी बहन की लखड़िया मानो, बाहर को हाथ देख। मेरा नाम शेख चिल्ली है रुखसाना, देख शेख चिल्ली का कमाल, मार्केट के बहाने से जाना चाह रही है रामखोर। आजा आजा लखड़िया। शेख जी आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो तुम, आज तो तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। हाय मैं सत के जावा। वो भी चोचले कर रही है साली चोचले, हराम खोर, स्मार्ट तो मैं हूँ ही। शेख जी अम्मी का फोन आया था, अम्मी ये कह रही थी कि शेख जी को मार्केट ले जाना और वहाँ खाना खिलाना और शेख जी को खूब प्यार करना। मार्केट ले जाना और खाना खिलाना, और क्या क्या कह रही थी अम्मी? क्या अम्मी ने ये भी कह दिया था कि मार्केट को बैग लेके जाइए? वो तो शेख जी मैं बैग ऐसे लेके जा रही हूँ। रुखसाना अंदर जाके बैठ जाओ, अनिल तेरे साथ आज बहुत बुरा हो जाएगा। शेख जी आज मैं मार्केट जरूर जाऊंगी, बहुत ड्रामा देख लिया मैंने तुम्हारा। मार्केट जाएगी? हाँ जाऊंगी। मार्केट जाएगी? हाँ। डंडा कहाँ? मार्केट जाएगी? हाँ मैं जाऊंगी। शेख जी आओ असलम भाई, आओ बैठो कुर्सी पे आओ। मैं शेख जी ठीक हो? ठीक ठाक हूँ मैं तो। रुखसाना भाभी अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो रुखसाना भाभी? बैठो शेख जी बैठो। शेख जी मैं काम पे जा रहा हूँ और सन्नो को मार्केट जा रहा हूँ। मैं काम पे से लेट आऊंगा, तुम उसे किसी टाइम मार्केट ले जाना, मैं चलता हूँ। ठीक है तू काम पे निकल, उसे तो मैं ले जाऊंगा मार्केट। ना निकला साले, निकल ले जल्दी से। एक काम करता हूँ साले, रुखसाना को बताता हूँ, ये ठीक रहेगा। साले काले पी नहीं सकता, 24 घंटे घर में ही पड़े रहे। मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अपने अब्बू और अम्मी को फोन करके बुलाती हूँ और मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है। अम्मी को अब्बू अम्मी को फोन करेगी? भूल गई क्या दीदी?
कमबख्त तेरे दिखे अभी और उतार दूंगा हराम खोर। अबू को फोन करेगी है? मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जहां जाना जाओ। ठीक है साले, मैं चला जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना भाभी। वालेकुम अस्सलाम। स्वान बेटा ठीक है? हाँ मदर ठीक हूँ। रुखसाना भाभी तुम्हें एक बात का पता है? बेटा किस बात का? अपने मोहल्ले में जो नसाद भाई है ना? हाँ। उनके मकान में जो किराएदार है असलम भाई, उनकी बीवी बहुत हरामी है। उनके घर में हर टाइम 10-12 लड़के घुसे रहते हैं। नौसाद भाई इसलिए उनसे अपना घर खाली करा रहे हैं। और रुखसाना भाभी मुझे तो इस बात का डर है कि शेख जी उन दोनों को अपने घर न ले आए। सुभान बेटा, मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। या अल्लाह रहम करिए रुखसाना भाभी पर, अब पता नहीं क्या होगा रुखसाना भाभी का। ठीक है भाभी मैं चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। भारी तो हो गए, उतर जा हराम खोर। असलम भाई क्या हुआ, कैसे मुँह लटका है बैठा? अरे शेख जी। हाँ। अपने वो नौसाद भाई है ना? हाँ। क्या हुआ उस सांड को? वो अपना ये मकान खाली करने के लिए बोल रहे थे। बस इतनी सी बात? जब तक तुम दोनों को मकान ना मिले तब तक तुम दोनों मेरे घर रह सकते हो। ठीक है शेख जी। तुम कितने अच्छे हो शेख जी। सन्नो भाभी ये तो मेरा फर्ज है। असलम भाई। हाँ। मैं चलता हूँ, हराम खोर इंतजार देख रही होगी रुखसाना। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है शेख जी तुम जाओ और रुखसाना भाभी से पूछ लेना हम दोनों के। ठीक है मैं बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक रहे वाले रुखसाना को सेट करता हूँ, अपने आप काम 35 हो जाओ, निकलता हूँ यहाँ से पहले। ओए घर भी आ गया, चलो ठीक है। ओए तू काहे में हिलक रही है हराम खोर, साइकिल खड़ी करता हूँ। रुखसाना लुढ़कनी, रुखसाना अरे तू तो मार्केट जाने को कह रही, चलना रही। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ए रुखसाना मेरी बात सुन यार, बातियों को गुस्सा हो रही है। कितनी सोहरी लग रही है मेरी रुखसाना। यार एक बात बताओ तुझे रुखसाना, अपने जो असलम भाई है ना, उन्हें नौसाद भाई घर से निकाल दिया है ना? इसे कैसे पता है हरामखोर को? मुझे सब पता है। तो सुन रुखसाना, अगर तुझे इस बात का पता चल गया तो असलम और सन्नो अब इसी घर में रहेंगे। मैं जा रही हूँ अपने घर। सन्नो को रखो, सन्नो की बहन को रखो, उसके खानदान को रखो, उसके खसम को रखो। बड़ी आड़ी आड़ी चल रही है, बड़े गुस्से में भाई ये सारे। देखता हूँ आने दे। कहाँ जा रही है? जा रही हूँ मैं। मान जा रुखसाना मान जा, क्यों मेरे हाथ खुटक दे गए? तुझे पता है मेरी, मैं जब तुम मारता हूँ ना लगातार 6 दिन मारता हूँ। अब मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाली। नहीं आने वाली? अच्छा ये चुल्ली का चलन दे रही है, अभी दिखाता हूँ मैं तुझे, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। हराम कौन नहीं लुढ़कनी। जा रही हूँ मैं अपने घर, मेरे घर अभी मत जाइयो। अच्छा अब्बू से बहुत पिटवाऊंगी आगे तो। अब्बू से पिटवाओगी? अब्बू से पिटवाओगी? अब्बू से पिटवाओगी? हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं जानता हूँ ये वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि आजकल हमारे दोस्ती के बीच में कुछ लोग इस बात को गलत तरीके से ले जाते हैं, और मैंने इस वीडियो में यही दर्शाया है कि जो लोगों की सोच गंदी है वो प्लीज दोस्ती के बीच में ऐसा फर्क नहीं लाए जिसके बदले लोगों के दिलों में फर्क पैदा हो जाता है। हमारे वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों यही है कि दोस्ती का जो फर्ज होता है वो दिल से अदा किया जाता है। जैसे कि मैंने असलम भाई के साथ में पूरे परिवार का साथ दिया था, लेकिन मेरी बीवी को एक छोटे से बच्चे ने
गलतफहमी का शिकार बना दिया है। तो दोस्तों मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि मेरा मैसेज सब लोगों तक पहुँचे और गलतफहमी के शिकार होने से आप बचे। हेलो गाइस, मैं आपकी रुखसाना। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम बेटे की जान, जान गए। गाइस, तो इस बच्चे की आपको एक्टिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जो किरदार इसने निभाया चोर होरी का, तब तो बताइए रुखसानों कितना पिटवाया, इसने बहुत हरकत करी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा पार्ट हम लाएंगे इसका जरूर, आपकी रिक्वायरमेंट जैसी भी आएगी तो बताना, दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द लेकर निकलेंगे।